नमस्कार, असेंबली में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर है मुजफ्फरपुर से कुछ लोग आए हुए हैं जो 100-150 से ज्यादा बच्चों की जानो जानो पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है सर आपका धरना प्रदर्शन करने का? देखिए, तकरीबन जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं और अस्पताल में आए दिन आप देख रहे हैं कि बच्चों की मौत हो रही है। ना कोई वहाँ पर डॉक्टर तैनात किया जा रहा है, ना ही कोई इस तरह की व्यवस्था हो रही है। आईसीयू में भी आप देखेंगे कि एक होड़ लगी है, मरीज़ बच्चे उस तरह से पड़े हुए हैं और उनको कोई भी इस तरह से सुविधा नहीं मिल रही है। जब स्वास्थ्य मंत्री वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देखेंगे कि क्रिकेट का स्कोर पूछा जा रहा है, मैच का स्कोर पूछा जा रहा है, वहां के सांसद सो रहे होते हैं। केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस पर आंख बंद किए हुए है, दूसरी तरफ नीतीश सरकार भी, जबकि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल ऐसा होता है। लोग मर रहे हैं, बच्चे मरते हैं, लेकिन इस पर कोई सुध नहीं लिया जाता है। यानी कि इनको जानों की कीमत मतलब है ही नहीं कोई। हम मर रहे हैं तो फिर वो मरते रहें, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आज इसी को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एहतजाज कर रहे हैं और ये हम चेताना चाहते हैं कि होश में आएं और बच्चों के जान की कीमत को समझें, वहाँ पर सुविधाएं दें ताकि ये घटना जो है वो आगे ना बढ़े। जी हाँ, इसको हम पॉलिटिकल मर्डर कहेंगे। ये राज्य के द्वारा जो है मर्डर हो रहा है उन बच्चों का। देश के प्रधानमंत्री दिल की बात करते हैं लेकिन बच्चों की बात आती है तो उस पर कोई बात नहीं करते हैं। योगा डे मनाया जाता है लेकिन उस पर बातें होती हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के बच्चों के ऊपर बात नहीं की जाती है। क्या कारण है आप बताएंगे? चलिए आप देखिए साहब, सच्चाई यह है कि उन लाशों के ऊपर वो योगा कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि अशोका होटल में इतना बड़ा डिनर किया इन लोगों ने, समझ रहे हैं। इन्हें आज भी बच्चों की मौत का कोई भी गम, कोई भी अफसोस नहीं है और ना ही उसके खिलाफ ये कुछ करना चाहते हैं। जिन पत्रकारों को मोदी से सवाल पूछने चाहिए या नीतीश जी से सवाल पूछने चाहिए, वो सवाल पूछते हैं डॉक्टर से, वार्ड में कितने पेशेंट हैं, इन पेशेंटों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता। क्या है कारण कि देश के पत्रकारों को जो सवाल मोदी से या नीतीश जी से पूछने चाहिए वो डॉक्टरों से पूछ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जितनी भी गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं इनको जो ख़रीदा हुआ है इस सरकार ने, इसीलिए वो जो है प्रशासन से तो ये सवाल नहीं पूछ सकते या किसी मिनिस्टर से तो ये सवाल पूछ नहीं सकते। तो लेकिन इनको ये क्योंकि 100 से ज़्यादा मासूम बच्चों की क्योंकि देहांत हो गया है तो अब इसको दिखाना भी है, तो ये क्या करते हैं कि सारा जो इल्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के मत्थे मारना चाहते हैं कि इनकी गलती है, ये इनकी कमी है, ताकि लोगों में एक ये बन जाए कि सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई कमी नहीं है, ये इन डॉक्टर्स की कमी है कि ये सब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके ऊपर ये इल्ज़ाम थोपना चाहते हैं। 9 महीने अपने पेट में बच्चे को जन्म देती हैं, उसके बाद उसको दर्द को माँ ही समझ सकती है। एक माँ से हम लोग पूछेंगे इन बच्चों के पीछे क्या कारण है और जिन बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने 2014 में जो बात कही वो अब भी कह रहे हैं, इससे बच्चों की ज़िंदगी तो नहीं बच सकती। बच्चे तो हर साल मरते ही जा रहे हैं, मर रहे हैं, माँ की गोदें सुनी हो रही हैं, और जो लोग पैसे वाले हैं वो तो बड़े शहरों में चले जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो तो वही सरकार के भरोसे पर हैं जो उनको इलाज करा सकें। लेकिन आप सिर्फ वादे पर रख रहे हैं और वोट लिए जा रहे हैं, ऐसा तो कैसे होगा? जो बच्चे आज सही रहेंगे वही तो कल फिर इस देश के लिए कुछ बन सकते हैं ना। आप मुजफ्फरपुर के अंदर पहले भी इस तरीके की घटना होती रही है लेकिन सरकारों का बहुत ज्यादा आश्वासन ही रहता है, क्या कारण है साहब उसका? जी पिछली 2-1 साल में भी इस तरीके की घटना सामने आती रही है मुजफ्फरपुर के अंदर, उसमें भी सरकार की नजर नहीं रही थी? नहीं, ये तो हमेशा से होता रहा, हर साल लोग बच्चे मरते हैं। दरअसल क्या है कि ये सरकारें, इनके आंखों में सुअर का बाल आ चुका है, इनके गैरत की चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। सिर्फ चुनाव के दौरान इनको याद होता है कि क्या करना है और पब्लिक में जाकर ये इश्यूज़ ढूंढते हैं, चुनाव ख़त्म होता है सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, उनको एक बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल लेते हैं और आंख बंद करके ये सो जाते हैं। जी, नीतीश सरकार के आने के बाद क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? देखिए, ये नीतीश कुमार जो है हमेशा ये अवसरवादी रहे हैं, इनका आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में इन्होंने दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, अभी ये बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ भी ये अपने किस तरह से इनको सरकार
बनाना है, सरकार में बने रहना है, सिर्फ ये उसके बारे में सोचते हैं। जनता को क्या लाभ देना है ये इस पर कभी गौर नहीं करते, इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाते। हमारी जैन से बात करें, इसके लिए धन्यवाद आपका। जी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।